हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द मार्केट वर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। साथ में हम लोग पांच इंट्राडे स्टॉक्स को भी डिस्कस करेंगे जिसे आप मंडे के लिए अपने वॉचलिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। और साथ ही में हम लोग ये भी देखेंगे कि पिछले दिन मैंने जो भी स्टॉक्स आप लोगों को दिया था ट्रेड करने के लिए, उन सारे स्टॉक्स ने फ्राइडे को कैसा परफॉर्मेंस दिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी 50 के एनालिसिस को डिस्कस करते हैं। तो निफ्टी 50 में ट्रेडर्स हम लोग को बहुत ही शानदार पेन एंड पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है। तो अगर मंडे को निफ्टी 50 फ्लैट ओपन हो जाता है और उसके बाद हम लोग को ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देखने के लिए मिलता है, तो हम लोग को बहुत ही अच्छा खासा ऑप्शन ट्रेड मिल सकता है। और साथ ही में अगर हम लोग बात करें लेवल्स का, तो निफ्टी 50 के लिए 17,620 से लेकर के 17,640 का जो लेवल है वो बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। इसके ऊपर क्लोजिंग आने के बाद ही हम लोग को एक बाय साइड का मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है और हमारा पहला टारगेट होगा 17,722 का। और अगर निफ्टी 50 मंडे को थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है और 17,480 के नीचे क्लोजिंग दे देता है अपने 5 मिनट के कैंडल का, तो हम लोग एक सेल साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। हमारा सबसे पहला टारगेट रहेगा 17,410 का। और अगर ये वहां पर भी सस्टेन नहीं करता है और उसको भी ब्रेक कर देता है, तो फिर हम लोग का अल्टीमेट टारगेट रहेगा 17,280 का। तो ट्रेडर्स, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि फ्राइडे के दिन हम लोग को लास्ट सेशन में यूएसए मार्केट के अंदर बहुत ही शार्प सेल ऑफ देखने के लिए मिला, यानी कि लगभग एक घंटा के अंदर यूएस मार्केट 2-2.5% गिरते हुए नजर आया हम लोग को जॉब डाटा रिपोर्ट के कारण। इसीलिए एसजीएक्स निफ्टी भी निफ्टी 50 का जो ओपनिंग है वो थोड़ा सा गैप डाउन दिखा रहा है। तो अगर बहुत ही ज्यादा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हम लोग एक पुल बैक का वेट करेंगे और उसके बाद जब हम लोग को एक रेड कैंडल बनते हुए नजर आएगा 17,480 के आसपास में, तब हम लोग अपना सेल साइड का ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर। तो निफ्टी बैंक में भी ट्रेडर्स कल हम लोग को बहुत ही ज्यादा साइडवेज मोमेंटम देखने के लिए मिला है और यहाँ पर भी हम लोग को एक पेनेंट पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है। तो अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो हम लोग एक बाई साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं 39,640 के ऊपर और हमारा टारगेट रहेगा 39,800 का और अल्टीमेट टारगेट रहेगा 40,000 का। वहीं पर फ्लैट ओपन या फिर गैप डाउन थोड़ा सा ओपन होता है और अगर 39,200 के लेवल्स को तोड़ देता है, तो हम लोग एक सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। हमारा सबसे पहला टारगेट रहेगा 39,000 का और हमारा अल्टीमेट टारगेट रहेगा 38,800 का। तो ट्रेडर्स, कल निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर हम लोग को बहुत ही अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम का बात करें तो हम लोग को 2 दिन इनसाइड कैंडल बनते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इससे पहले हम लोग को एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिला था, उसके बाद दोनों दिन मार्केट थोड़ा सा साइडवेज ही मूव देते हुए हम लोग को नजर आया है। तो मंडे को ऐसा हो सकता है कि हम लोग को एक स्ट्रांग मोमेंटम देखने के लिए मिले अपसाइड या फिर डाउन साइड में। और ट्रेडर्स, मंडे को यूएसए मार्केट बंद है लेबर्स डे के कारण, तो हम लोग को ज्यादा इम्पैक्ट यूएसए मार्केट का देखने को नहीं मिलेगा मंडे के दिन। अब हम लोग 5 इंट्राडे स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं जिसको आप लोग मंडे के लिए अपने वॉचलिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। तो मंडे के लिए मेरा सबसे पहला इंट्राडे स्टॉक है एम्फेसिस। इसमें ट्रेडर्स हम लोग को बहुत ही शानदार डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है। तो अगर मंडे को ये अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है, तो हम लोग इसे बाय कर सकते हैं 2088 पर। हमारा टारगेट रहेगा 2108 का और हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 2082 पर, जिससे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल कर आ जाएगा 1:3.5, जो कि एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। यहाँ पर हम लोग 1 रुपए के लॉस पर 3.5 रुपए का प्रॉफिट बना सकते हैं। और अगर इस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकडाउन आता है नीचे की साइड में अपने सपोर्ट को तोड़ते हुए, तो हम लोग इसे सेल कर सकते हैं 2069 पर। हमारा टारगेट रहेगा 2050 का और हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 2075 पर, जिससे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल कर आ जाएगा 1:3। तो ट्रेडर्स, कल एम्फेसिस के अंदर हम लोग को सेल साइड में और भी लंबा टारगेट देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि अगर ये 2070 के नीचे क्लोजिंग दे देता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि नीचे की साइड में हम लोग को कोई भी सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो कल इसके अंदर हम लोग को एक फ्री फॉल मोमेंटम भी देखने के लिए मिल सकता है। मंडे के लिए मेरा दूसरा इंट्राडे स्टॉक है अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट में भी ट्रेडर्स हम लोग को बहुत ही शानदार सेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के साथ साथ कप एंड हैंडल पैटर्न भी बनते हुए नजर आ रहा है। तो इसमें भी हम लोग को एक शानदार मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। तो अगर कल ये अपने इस लेवल्स को तोड़ देता है, जहां पर हम लोग देख सकते हैं कि ये बार बार रेजिस्टेंस फेस करते हुए नजर आ रहा है, तो हम लोग इसे बाय करेंगे 861 पर। हमारा टारगेट रहेगा 870 का और हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 858 पर, जिससे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल कर आ जाएगा 1:3। और अगर इस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकडाउन आता है, यानी कि सपोर्ट टूट जाता है, तो हम लोग इसे सेल कर सकते हैं 839.5 पर।
हमारा टारगेट रहेगा 832 का और हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 842 पर, जिससे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल कर आ जाएगा 1:3। और मंडे के लिए मेरा तीसरा इंट्राडे स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक। इसमें भी ट्रेडर्स हम लोग को बहुत ही शानदार पेनेंट पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है, तो इसमें हम लोग को आइदर साइड मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। तो अगर ये अपने इस रेजिस्टेंस को तोड़ देता है अपसाइड में, तो हम लोग इसे बाय करेंगे 876 पर। हमारा टारगेट रहेगा 882 का और हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 874 पर, जिससे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल कर आ जाएगा 1:3। और अगर इस पेनेंट का ब्रेकडाउन आता है अपने सपोर्ट को तोड़ते हुए, तो हम लोग इसे सेल कर सकते हैं 869 पर। हमारा टारगेट रहेगा 862 का और हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 871.5 पर, जिससे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल कर आ जाएगा 1:3। और मंडे के लिए मेरा चौथा इंट्राडे स्टॉक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में ट्रेडर्स हम लोग को बहुत ही शानदार एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है, तो अगर ये अपने इस रेजिस्टेंस को तोड़ देता है, तो हम लोग इसे बाय कर सकते हैं 755.5 पर। हमारा टारगेट रहेगा 760.5 का और हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 753 पर, जिससे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल कर आ जाएगा 1:2। और अगर इस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकडाउन देखने के लिए मिलता है, तो हम लोग इसे सेल कर सकते हैं 748 पर। हमारा टारगेट रहेगा 741 का और हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 751 पर, जिससे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल कर आ जाएगा 1:2। और मंडे के लिए मेरा आखिरी इंट्राडे स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर का। इसमें भी ट्रेडर्स हम लोग को बहुत ही शानदार पेनेंट पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है, तो अगर कल ये अपने इस पेनेंट का ब्रेकआउट देता है, तो हम लोग इसे बाय कर सकते हैं 2313 पर। हमारा टारगेट रहेगा 2328 का और हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 2308 पर, जिससे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल कर आ जाएगा 1:3। वहीं पर अगर ब्रेकडाउन देखने के लिए मिलता है, तो हम लोग इसे सेल कर सकते हैं 2592 पर। हमारा टारगेट रहेगा 2575 का और हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 2598 पर, जिससे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल कर आ जाएगा 1:3। तो ट्रेडर्स, ये 5 इंट्राडे स्टॉक्स आप लोग मंडे के लिए अपने वॉचलिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। और अगर मंडे को मार्केट फ्लैट ओपन होता है, तो मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पर इंडसइंड बैंक और यूपीएल का भी एनालिसिस शेयर कर दूंगा। इसका एनालिसिस मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर इसीलिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हल्का सा भी गैप डाउन हम लोग को देखने के लिए मिलता है, तो इन दोनों में हम लोग को ट्रेड करने का मौका नहीं मिलेगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है, तो उसे जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। मैंने लिंक आप लोगों को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। और अगर आप लोग मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं, तो मैंने अपने इंस्टाग्राम आईडी का भी लिंक आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। साथ ही में ट्रेडर्स, ये सारे इंट्राडे स्टॉक्स मैंने आप लोगों को फ्राइडे के इंट्राडे सेशन के लिए प्रोवाइड किया था, जिसमें हम लोग को बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने का मौका मिला है। तो आइए देख लेते हैं कि इन सारे स्टॉक्स ने फ्राइडे के दिन कैसा परफॉर्मेंस दिया है। तो फ्राइडे के लिए मेरा सबसे पहला इंट्राडे स्टॉक था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। इसमें ट्रेडर्स हम लोग को बहुत ही शानदार ट्रायंगल और कप एंड हैंडल पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा था। हम लोग देख सकते हैं ये ओपन हुआ था 2323 के अराउंड में, हम लोग को इसे बाय करना था 2330 पर, और जैसे ही इसमें ब्रेकआउट देखने के लिए मिला, उसके बाद हम लोग को इसमें बहुत ही शानदार मोमेंटम देखने के लिए मिला है। तो HAL ट्रेडर्स हम लोग के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल इंट्राडे स्टॉक रहा। तो आई होप ट्रेडर्स आप लोगों ने इस इंट्राडे को मिस नहीं किया होगा। और फ्राइडे के लिए मेरा दूसरा इंट्राडे स्टॉक था पॉलिसी बाजार का। इसमें ट्रेडर्स हम लोग को बहुत ही शानदार ट्रायंगल पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा था, और उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ था, फिर जाकर के अपने इस सपोर्ट जोन का ब्रेकआउट दिया है। हम लोग को इसे सेल करना था 491 पर, और हम लोग देख सकते हैं कि ब्रेक डाउन देने के बाद ये बहुत ही खूबसूरती से हमारे टारगेट को अचीव किया है और लो बनाया है लगभग 482 के अराउंड में। तो पॉलिसी बाजार भी ट्रेडर्स हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल इंट्राडे स्टॉक रहा। आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने इसके अंदर कोई भी इंट्रा ट्रेड लिया था या फिर नहीं लिया था। और फ्राइडे के लिए मेरा तीसरा इंट्राडे स्टॉक था ट्रेंड। ट्रेंड में भी ट्रेडर्स हम लोग को बहुत ही शानदार इंट्रा ट्रेड करने का मौका मिला। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग को ब्रेक डाउन के लिए मिला था, उसके बाद इसमें हम लोग का टारगेट था 1390 का, और हम लोग देख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली उसी लेवल्स के आसपास का ये लो बनाया है। तो ट्रेडर्स, बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है आप लोगों के लिए एग्जैक्ट लेवल्स को फाइंड करके देने के लिए। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी तुरंत कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मेहनत लगता है आप लोगों के लिए इतने अच्छे अच्छे इंट्राडे स्टॉक्स खोज करके लाने में। और फ्राइडे के लिए मेरा अगला इंट्राडे स्टॉक था एमटार टेक। इसमें भी ट्रेडर्स हम लोग को बहुत ही शानदार ट्रेड करने का मौका मिला। हम लोग देख सकते हैं कि ये ओपन हुआ था अराउंड 1627 पर, और हम लोग को इसे बाय करना था 1631 पर, और हम लोग देख सकते हैं कि जैसे ही ब्रेकआउट हम लोग को देखने के लिए मिला, तो फर्स्ट 15 मिनट के अंदर ही ये हाई बना चुका था 1653 का। और जितने भी लोगों को इसमें इंट्राडे ट्रेड करने का मौका नहीं मिला था, हम लोग देख सकते हैं कि उसके बाद ये फिर से रिटेस्ट लेने के लिए गया अपने लेवल्स का, और उसके बाद हम लोग को एक बहुत ही सुंदर सा ब्रेकआउट कैंडल भी देखने के लिए मिला 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, और उसके बाद फिर से हम लोग को इसमें एक मोमेंटम मिलते हुए नजर आया है। तो आई होप एमटार टेक किसी से भी मिस नहीं हुआ होगा।
आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कोई भी इंट्राडे ट्रेड इसमें लिया था या फिर नहीं लिया था। मेरा अगला इंट्राडे स्टॉक था एप्पल। एप्पल में भी ट्रेडर्स हम लोग को बहुत ही शानदार प्रॉफिट अर्न करने का मौका मिला है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि बाई साइड में ये थोड़ा सा क्लोजिंग देने में कामयाब नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी जो लोग भी बाई साइड में इंट्राडे ट्रेड एग्जीक्यूट किए होंगे उन लोगों का एसएल हिट हो गया होगा, क्योंकि हम लोग का टारगेट था इसके अंदर 1332 का और हम लोग देख सकते हैं कि ये हाई बना पाया अप्रॉक्सीमेटली 1325 के अराउंड में ही। और उसके बाद ट्रेडर्स हम लोगों ने देखा कि जैसे ही इसने अपने सपोर्ट का ब्रेक डाउन दिया, उसके बाद हम लोग को इसमें सेल करना था 1307 पर, हमारा टारगेट था 1295 का, और हम लोग देख सकते हैं कि ये लो जाकर के बनाया है एग्जैक्टली 1292 के अराउंड में। तो एप्पल के अंदर भी ट्रेडर्स हम लोग को सेल साइड के अंदर बहुत ही अच्छा खासा इंट्राडे ट्रेड करने का मौका मिला है। और ट्रेडर्स यही फायदा होता है एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करने का। हम लोग देख सकते हैं कि दोनों साइड में हम लोगों को इसमें ट्रेड करने का मौका मिला था। बाई साइड में हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हुआ है और सेल साइड में हम लोग को टारगेट मिला है। तो जो स्टॉप लॉस हिट हुआ है वो हम लोग को मात्र 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और हमारा जो टारगेट था वो लगभग 12 पॉइंट का टारगेट था। एक ही स्टॉक्स के अंदर अगर हम लोग दो इंट्राडे ट्रेड लिए हैं, एक में स्टॉप लॉस भी हिट हो गया है और एक में हम लोग को प्रॉफिट हिट हुआ है, तो हम लोग देख सकते हैं कि कितना ज्यादा ओवरऑल प्रॉफिट हम लोग को अर्न हुआ है। तो ट्रेडर्स यही बेनिफिट होता है एक हायर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करने का। और फ्राइडे के लिए मेरा अगला इंट्राडे स्टॉक था बारबेक्यू नेशंस। इसमें भी ट्रेडर्स हम लोग को बहुत ही शानदार इंट्राडे ट्रेड करने का मौका मिला। मैंने आप लोगों को अपने पिछले ही वीडियो में बताया था कि अगर ये 1151 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम लोग को इसमें बहुत ही शानदार मूव देखने के लिए मिल सकता है और हमारा टारगेट था इसमें 1162 का और हम लोग देख सकते हैं कि ये हाई बनाया है अप्रॉक्सीमेटली 1169 के अराउंड में। तो बारबेक्यू नेशंस भी ट्रेडर्स बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल इंट्राडे स्टॉक रहा हमारे लिए। और मेरा लास्ट इंट्राडे स्टॉक था पीवीआर। पीवीआर में भी ट्रेडर्स हम लोग को बहुत ही शानदार इंट्राडे ट्रेड करने का मौका मिला। ये थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ था अप्रॉक्सीमेटली 1869 के अराउंड में, उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि हमारे लेवल्स को रीटेस्ट किया 1860 का और फिर हम लोग को इसमें शानदार मोमेंटम देखने के लिए मिला। हमारा टारगेट था इसमें 1875 का और ये हाई बनाया है अप्रॉक्सीमेटली 1885 के अराउंड में। तो ट्रेडर्स फ्राइडे के दिन जितने भी इंट्राडे स्टॉक्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था उन सारे के अंदर हम लोगों को इंट्राडे ट्रेड करने का मौका मिला और सभी में हम लोगों को बहुत ही खूबसूरती से टारगेट अचीव होते हुए भी नजर आया है। तो अगर आप लोगों को मेरी एनालिसिस अच्छी लगती है, अगर आप लोग मेरी एनालिसिस का यूज करके प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी वीडियोज और भी अच्छे इंट्राडे स्टॉक्स खोज करके लाता रहूं। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ट्रेडर्स आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।